जागरूक मतदाता समझना चाहेगा। पश्चिम बंगाल में 2019 में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी और लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2024 की तस्वीर आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी की सीट एक बढ़ चुकी है, 18 से बढ़कर 19 हो चुकी है। टीएमसी वही पर टिकी हुई है जहां 2019 में थी, 22 सीटें इस बार भी टीएमसी को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को एक सीट का नुकसान यहां पर पायोदी हो रहा है, पिछली बार 2 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीट मिल रही है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 30 साल तक पश्चिम बंगाल में राज किया, लेफ्ट पार्टी, उसका एक बार फिर खाता तक नहीं खुल रहा है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर बीजेपी को एक सीट का फायदा होते हुए, कांग्रेस को एक सीट का नुकसान होते हुए आपको नजर आ रहा है, लेफ्ट का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। लेकिन ये जो आकलन है ये आपको समझ में आएगा कैसे, जब आप ये स्क्रीन देखेंगे। और अब हम बात करते हैं उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल की बात जान लीजिए। उड़ीसा में बीजेपी को 14 सीटें मिलती, बीजेडी को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, और साथ ही कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में कुछ नहीं। लेकिन फिलहाल उड़ीसा का जो आकलन है वो हम आपको दिखा रहे हैं, तो 14 बीजेपी को, 6 बीजेडी को, 1 कांग्रेस को। एनके सर, किस राज्य से पहले शुरू करें, उड़ीसा या पश्चिम? मुझे लगता है पश्चिम, दोनों ही दिलचस्प। सर मैं चाहती हूँ पश्चिम बंगाल से आप शुरू करें। अच्छा, क्योंकि पास है इसलिए। जी, पश्चिम बंगाल में सर कांग्रेस पार्टी, अधीर रंजन चौधरी जो बगावत कर रहे थे, बिल्कुल आमने सामने लड़ गए ममता बनर्जी से कि नहीं साहब हम झुकेंगे नहीं, एक सीट उल्टी उन्होंने कम करा ली। हाँ। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो वहीं पर, उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। लूजर कौन रहा है आप? नहीं, और बीजेपी ने एक सीट और बढ़ा लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कांग्रेस लूजर रही। और नहीं, देखिए आप याद करिए कि ऐन चुनाव के वक्त पे कांग्रेस लीडरशिप ने उनको डांटा भी, बाद में हालांकि समझौता किया। तो लेकिन एक बात है कि पश्चिम बंगाल में अगर आपको पॉलिटिकली सरवाइव करना है तो फाइटर जील के साथ जाना, उत्साह आपका वो होना चाहिए जो किसी फाइटर का होता है। शायद कांग्रेस ने यही अडॉप्ट किया, लेकिन अगर दो फाइटर्स मिल जाएं तो तीसरे को हराने में आसानी होती है, ये बात वो भूल गए। अगर वो किसी तरह से कांग्रेस और टीएमसी मिल जाती तो आज स्थिति बिल्कुल उल्टा होती, लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने अपनी टैली एक और बढ़ा ली। जी सर, लेकिन इसी के साथ राहुल सर, अब पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, लेकिन अब टीएमसी को यहाँ पर अभी फिलहाल कोई नुकसान होता नजर नहीं आ रहा। इससे पहले भी हमने यही देखा था, इतना गढ़ मजबूत है ममता बनर्जी का, आप उन्हें छूकर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये किसके लिए, अगर कांग्रेस के लिए यहाँ पर लॉस है, बीजेपी की भले एक सीट यहाँ पर बढ़ी हो, लेकिन स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नहीं छू पाती बीजेपी की। देखिए, ममता का ज्यादा नुकसान तो दिख नहीं रहा है, केवल एक सीट का नुकसान दिख रहा है। नहीं सर, वहीं पर है कांग्रेस का नुकसान है। तो कांग्रेस के लिए अब वहां पर एक बड़ा संकट है, भविष्य का संकट, लगभग उसी तरह का जैसा वहां लेफ्ट के सामने है। तो अगर उसको कुछ अपनी जड़ बनानी है तो उसको कुछ न कुछ मतलब संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, और जाहिर है कि एक नए तरह की लीडरशिप वहां पे उसको चाहिए। और अगर हम देखेंगे और नीचे जाके, अभी वोटशेड से पता चलेगा कि लेफ्ट और कांग्रेस को अंततः लड़ाई करनी पड़ेगी टीएमसी से ही। जी, अब इन लोगों के बीच में, इन दो गुटों के बीच में अगर किसी तरह का कोई, कम से कम लोकसभा को लेकर कोई समझौता हो, तब तो वो बीजेपी की बढ़त को रोक सकते हैं, कुछ अंकुश लगा सकते हैं, वरना वो नहीं रोक पाएंगे। और इनकी आपसी जो लड़ाई की वजह से जो वोट शेयर, जो एंटी बीजेपी वोट है, वो जो बटता है, बहुत बड़े स्तर पे बटता है, वो सभी रुक सकता है। बिल्कुल, तो लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है। मनोज सर, कांग्रेस पार्टी का भी किसी दौर में गढ़ रहा, लगातार संघर्ष करती रही, लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस में कांग्रेस की लड़ाई होती थी वेस्ट बंगाल में, एक सीट पर सिमट गई है, लेफ्ट का खाता तक नहीं खुल रहा है एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो राज्य जहां पर दार्जिलिंग के आगे कहीं बीजेपी जाती नहीं थी वहां पर 19 सीटें जीत रही है। आप देखिए ना कि पिछले 10 साल में जितनी तरक्की भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में करी है, जिस तरीके की स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है रूरल एरिया में, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि काफ़ी जगह में तो वो टीएमसी से भी आगे है। तो ऐसे में ये मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। और जहाँ तक लेफ्ट और कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के बहुत छोटे पॉकेट्स हैं, उसके अलावा ये दोनों पार्टियां करीब करीब, अगर हम तो ये दोनों पार्टियों का अस्तित्व वहाँ बहुत ज़्यादा, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ आज की डेट में काफ़ी जगहों में है नहीं। जी, ये एक बीजेपी के लिए सीख भी है कि अगर आप देखें तो पूरे देश भर में जो बीजेपी का वो हुआ, एक्सपेंशन हुआ,
उसमें अगर वो सक्सेसफुल कहीं रहा है तो वो साउथ नहीं रहा है, वो रहा है असम और वेस्ट बंगाल। असम में आपने देखा कि संघ का अपना जो नेटवर्क था वो दशकों पुराना, दशकों ने 25 साल से दिन रात काम करके उन्होंने थाली में सजा के बीजेपी को वहां की सरकार दे दी। लेकिन उसी तरह का संघ यहां भी कर रहा है, लेकिन उस तरह का स्ट्रांग नहीं था। और वहां पे मार्क्सवादी फोर्सेस जो थी, या बाद में ममता बनर्जी आ गई तो थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन अगर दूसरा कोई राज्य है जहां बीजेपी ने रफ्तार अपनी बहुत तेजी से बढ़ाई है तो वो वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सर, जल्दी से जो